पिछले वीडियो में हमने लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, मैं कुछ इंट्रोडक्शन को कवर किया था लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड। अब इस वीडियो के अंदर हम लिंक्ड लिस्ट के जो प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम लिंक्ड लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के किस तरह से आप उनकी इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन सबको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह की लिंक्ड लिस्ट होती है, लिंक्ड लिस्ट को कैसे बनाया जाता है। ये मैं हर एक केस में आपको साथ डिस्कस करूंगा और हर एक केस में जो प्रोग्राम्स हैं उनके, वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए, जो मेजर टाइप्स जो यहां पर मैंने डिस्कस किया है, ये इम्प्लीमेंटेशंस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो लिंक लिस्ट है वो इंट्रोड्यूस की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और बहुत सारे ऐसे जो लिंक लिस्ट है वो हम लोग जनरेट भी करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जो लिंक लिस्ट हम यहाँ पर कवर देख रहे हैं वो है हमारे पास सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में होता क्या है कि जो भी हमारे पास नोड्स होंगी, हर एक नोड के पास दो पार्ट होंगे, एक होगा डेटा पार्ट और दूसरा होगा नेक्स्ट पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली नोड को पॉइंट करेगा और हर एक नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली नोड को पॉइंट करेगा। जो लास्ट नोड है उसका ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमेशा नल की तरफ पॉइंट करेगा और स्टार्टिंग में हम एक पॉइंटर यूज करेंगे हेड, जो कि पहली नोड की तरफ पॉइंट करेगा। आई होप आप स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, आपने मेरे सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस को भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें हमने स्ट्रक्चर्स को भी कवर किया हुआ है। तो इस नोड के लिए हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, दैट विल बी स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। यानी कि अगर एक नोड बनाएंगे, इसका एक वेरिएबल हम बनाएंगे, तो उस वेरिएबल पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी। पहला होगा हमारे पास डेटा पार्ट जो कि एक इंटीजर नंबर को स्टोर करेगा, जैसे कि इंटीजर नंबर है हमारे पास 6, तो पहले पार्ट में हमने इंटीजर नंबर को स्टोर किया। और दूसरा हमारा होगा एक नेक्स्ट पार्ट जो कि एक पॉइंटर को स्टोर करेगा, और ये पॉइंटर किस टाइप का होगा, दैट विल बी स्ट्रक्ट नोड, यानी कि नोड पॉइंटर, इसी टाइप के पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। तो इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये अपने ही टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा या फिर अपने ही टाइप के किसी डेटा टाइप का डेटा एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। अब जब भी मैं लिंक लिस्ट बोलता हूँ कि हम लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं, या फिर जब भी इन जनरल टर्म हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, तो हमेशा उस केस में हम सिंगली लिंक लिस्ट की ही बात कर रहे होते हैं। तो जो पहले टाइप की लिंक लिस्ट है उसको बोलते हैं हम सिंगली लिंक लिस्ट। अब ये जो सेकेंड टाइप की लिंक लिस्ट हमारे पास आती है, इसको हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। डिफरेंस क्या है, देखिए, सिंगल लिंक लिस्ट में कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास हमें ये कर इसमें कुछ लेटर से आप इस नोड पर पहुँचे हैं और आपको यहाँ से दोबारा पहली नोड पर जाना है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं जहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो एफिशिएंट नहीं है, इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हमने नई नई लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट किया, ऐसी कुछ न्यू टेक्निक्स को हमने पॉइंट आउट किया, नई तरह की लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर्स को पॉइंट आउट किया, जिससे हम उन ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। वो जितने भी ऑपरेशंस हैं हम आने वाले अपने वीडियोस में, अगले वीडियोस में हम लोग चेक करेंगे। इसी वीडियो के अंदर मैं कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं सिंगली लिंक लिस्ट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करूंगा, फिर अगले वीडियो में स्पेसिफिकली मैं डबली लिंक लिस्ट से कुछ ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, हर एक केस, हर एक तरह की जो मेजर जो फेमस प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास, इवन आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन जो है प्लेसमेंट्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट में भी और काफ़ी कंपनीज में भी वो जो प्रोग्राम्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि प्लेसमेंट से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर इजिली मैं सबको कवर करूँ और सबके जो प्रोग्राम्स हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दे दूँ। अब देखिए, अगले टाइप की जो लिंक लिस्ट है उसको बोलते हैं हम डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट में डिफरेंस ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक ही पॉइंटर को स्टोर करते हैं जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगी, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे। एक पॉइंटर होगी जो पिछले वाली नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगी और जो दूसरा पॉइंटर है वो अगले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास हमने तीन नोड्स को बनाया, तो एक नोड जो है, एक जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रही है और इसका जो पॉइंटर है वो पिछली नोड का एड्रेस स्टोर कर रही है। उसी तरीके से इस नोड के अंदर दो पॉइंटर्स हैं, एक पॉइंटर जो है वो पिछली नोड का एड्रेस स्टोर कर रही है और जो दूसरा पॉइंटर है वो अगली नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है।
तो इस तरीके से इस केस में डबली लिंक लिस्ट के केस में अगेन हमारे पास एक टाइप एक वेरिएशन है सिंगल लिंक लिस्ट में. वेरिएशन क्या है कि हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन पॉइंटर हम लोग दो पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे और हम आगे और पीछे वाले नोड्स का एड्रेस यहाँ पर स्टोर करेंगे. अब जो सबसे लास्ट वाली नोड है वो भी उसका जो ये जो पॉइंटर है नेक्स्ट वाला पॉइंटर, देखो ये है हमारे पास प्रीवियस वाला पॉइंटर, ये हमारे पास है डेटा एलिमेंट और ये जो है हमारा ये है हमारे पास नेक्स्ट वाला पॉइंटर. तो लास्ट नोड पे जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वहाँ पर नल स्टोर होगा और जो पहली नोड का जो सबसे पहला पॉइंटर है यानी कि प्रीवियस वाला पॉइंटर वहाँ पर भी नल स्टोर होगा और हमारे पास एक हेड पॉइंटर होगा जो कि पहली नोड की तरह यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. तो ये जो लिंक लिस्ट है इसको बोलेंगे हम डबली लिंक लिस्ट. अब जो तीसरी वेरिएशन है लिंक लिस्ट की, जो तीसरी फेमस वेरिएशन है उसको बोलते हैं हम सर्कुलर लिंक लिस्ट. सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि ये एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है, जैसे कि हमने पहले चेक किया था सिंगली लिंक लिस्ट सेम उसी तरह की सिंगली लिंक लिस्ट ही है. सिर्फ एक डिफरेंस है कि सिर्फ लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है वो नल स्टोर करती है. हमने इस लास्ट वाली नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया है, तो इसी लास्ट पॉइंटर को हम यहाँ पर एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और इस लास्ट वाली नोड के अंदर हम पहली वाली नोड का जो एड्रेस है वो स्टोर करेंगे, जिससे जो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है. तो कुछ ऐसे ऑपरेशन होंगे जहाँ पर जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो सिंगल लिंक लिस्ट से बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी. और सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस, देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि सिंगल लिंक लिस्ट ही है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो सबसे लास्ट वाली नोड है वो पहले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगी. सिर्फ एक छोटे से डिफरेंस की वजह से सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट से काफ़ी बेटर परफॉर्म करने वाली है. जो हम आगे पार्ट्स जो वीडियोज के होंगे वहाँ पर उन ऑपरेशन को हम देखेंगे. तो जो स्ट्रक्चर है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का और सिंगल लिंक लिस्ट का वो सेम रहेगा. तो बस ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो वेरिएशन. देखो मोस्टली जो लिंक लिस्ट है कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम ही रहेगा, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट हो, चाहे वो डबली लिंक लिस्ट हो, चाहे वो सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, चाहे वो स्किप लिस्ट हो, मेन कॉन्सेप्ट सेम है. बस वेरिएशन इस तरह के कि आप उसके अंदर पॉइंटर्स कैसे स्टोर कर रहे हो. ठीक है, तो अब अगली जो टाइप की लिंक लिस्ट है, देखिए ये जो दो तरह की लिस्ट है जैसे कि अनरोल्ड लिस्ट और दूसरी है स्किप लिस्ट, इसको ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो स्किप कर देते हैं क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में कॉम्पिटिटिव जो आपके पास एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर इन दोनों के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता. लेकिन जो अनरोल्ड लिस्ट है और जो स्किप लिस्ट है ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए काफ़ी बेटर है. प्रैक्टिकली हम अनरोल्ड लिस्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ मच मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लिस्ट. तो जो हम अनरोल्ड लिस्ट की बात करते हैं, स्किप लिस्ट की बात करते हैं, तो ये जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर आप प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे उस केस में हमें अनरोल्ड लिस्ट और स्किप लिस्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगी और काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ये जो दोनों लिस्ट है ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लिस्ट. तो अनरोल्ड लिस्ट का मतलब क्या है, देखो अनरोल्ड लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट. सिंगली लिंक लिस्ट में हम एक डेटा एलिमेंट को एक नोड के अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन अनरोल्ड लिस्ट में ऐसा बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वन डेटा एलिमेंट इन वन नोड, आप ऐसा कीजिए काफ़ी ज़्यादा डेटा एलिमेंट्स जो है वहाँ पर स्टोर कर दीजिए. इससे क्या होगा कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी. देखिए जितनी भी तरह की वेरिएशंस प्रपोज की गई है लिंक लिस्ट के अंदर, ये सभी वेरिएशन इसलिए प्रपोज की गई है कि हम अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बना सके. तो जितने ज़्यादा ऑपरेशंस को हम एफिशिएंट बना पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम उतने ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर पाएंगे और हम प्रॉब्लम को उतनी इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे. तो जो अनरोल्ड लिस्ट है ये भी एक वेरिएशन ही है सिंगल लिंक लिस्ट की, लेकिन वेरिएशन में क्या है कि हम यहाँ पर एक नोड के अंदर अंडर रूट ऑफ एन डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं. अगर आपके पास टोटल एन डेटा एलिमेंट्स हैं, एन डेटा एलिमेंट्स हैं, तो उन एन डेटा एलिमेंट्स में से हम यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एन डेटा एलिमेंट्स को एक नोड के अंदर स्टोर करते हैं. उसको आप सॉर्टेड फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं, अनसॉर्टेड फॉर्मेट भी स्टोर कर सकते हैं. देखो अरेज के केस में क्या होता है, अरेज का जो एडवांटेज है वो सिंपल सा ये एडवांटेज है कि वहाँ पर हम हर एक इंडेक्स लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन एन अरे इज़ मच एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट, क्योंकि वहाँ पर हम रेंडम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स की, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर हमें सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस ही करना पड़ेगा. तो हमने ऐसा बोला कि लेट अस डू वन थिंग, लेट अस मेक अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम लिंक लिस्ट को और अरेज को इन दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर देंगे, एक नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे जहाँ पर हर एक नोड जो है वो एक अरे को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे कि एक नोड है, इस नोड के अंदर हमारे पास ये जो एलिमेंट स्टोर है ये अरे की फॉर्म में स्टोर है. इन सभी एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास इंडेक्स लोकेशंस होंगी, जैसे इंडेक्स लोकेशन 0, 1, 2, 3 इस तरीके से. तो हर एक नोड के अंदर जितने भी आप एलिमेंट स्टोर करेंगे, जैसे मोस्टली प्रपोज ऐसा किया जाता है कि अगर आपके पास टोटल एन डेटा आइटम्स हैं,
एन डेटा आइटम्स के लिए अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको एन नोट्स बनानी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पर हमने बोला कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन नोट्स, लेट अस डू वन थिंग, स्टोर अंडर रूट ऑफ एन डेटा आइटम्स इन वन नोड. आप एक नोड के अंदर अंडर रूट ऑफ एन डेटा आइटम्स को स्टोर करें. जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको एज्यूम 100 डेटा आइटम्स को स्टोर करना है, तो आप 100 की जगह पर आप अंडर रूट ऑफ 100 डेटा आइटम्स को एक नोड के अंदर स्टोर करो. यानी कि हमें टोटल 10 डेटा आइटम्स को एक नोड की तरफ अंदर स्टोर करेंगे, तो आपको सिर्फ 100 की जगह पर सिर्फ 10 नोड्स ही बनानी पड़ेगी, 10 नोड्स ही आपको बनानी पड़ेगी. तो हर एक नोड के अंदर आप ज़्यादा डेटा आइटम्स स्टोर करेंगे तो, और वो जितने भी डेटा आइटम स्टोर करेंगे आप एक अरे की फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, तो उससे आपका जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा. अब इस केस में क्या है कि जो पहली नोड है, अगर 100 डेटा आइटम्स है तो पहली नोड 10 डेटा आइटम स्टोर करेगी, दूसरी 10 करेगी, तीसरी 10 करेगी. और एज्यूम करो कि काफ़ी केसेस में आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता. लेट अस से हमारे पास हमें 112 डेटा आइटम स्टोर करने हैं या फिर 111 डेटा आइटम स्टोर करने हैं, उस केस में पहली जो 10 नोड्स हैं वो 10 डेटा आइटम स्टोर करेगी हर एक नोड, और जो आपके पास 11th नोड है वो भी 10 स्टोर कर सकती है. जो 12th नोड है वो सिर्फ एक डेटा आइटम स्टोर करेगी. यानी कि पहली जितनी भी इंटरमीडिएट नोड्स होंगी, जितनी भी इंटरनल नोड्स होंगी, वो सभी अंडर रूट ऑफ एन डेटा आइटम स्टोर करेंगी, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली नोड होगी वो कम डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकती है. तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑपरेशन है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा. तो ये एक वेरिएशन है लिंक लिस्ट की, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे. मैं अनरोल्ड लिंक लिस्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, काफ़ी अलग यूनिक टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे यहाँ पर, जो कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन जो कि हम यहाँ पर अनरोल्ड लिंक लिस्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और जो नेक्स्ट टाइप की लिंक लिस्ट है उसको बोलते हैं स्किप लिस्ट. तो स्किप लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है बाइनरी ट्रीज के केस में. जब हमारे पास बाइनरी ट्रीज होते हैं, हमें पता है कि बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, नहीं भी पता तो हम आगे आने वाले वीडियो देखने वाले बाइनरी ट्रीज क्या है. आपको नहीं पता, डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री होते हैं. बाइनरी ट्री के बाद फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, और उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको दूर करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जो कि है बाइनरी बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. वो बेसिकली जो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है वो कॉन्सेप्ट यूज होता है टू सर्च इन द डेटा आइटम्स. जो सर्चिंग टाइम है उसको हम काफ़ी एफिशिएंट बना देते हैं बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के केस में. अब हमने जो स्किप लिस्ट बनाई है, स्किप लिस्ट इज जस्ट लाइक ए बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. इसका जो मेन ऑपरेशन है, जो इसका मेन काम है, वो सिंपल सा ये है कि आप जो भी डेटा आइटम्स यहाँ पर स्टोर करेंगे तो हर एक नोड के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी स्टोर करने वाले हैं जो कि स्किप करेंगे. जैसे कि अगर मैं वन लेवल की बात करता हूँ तो हर एक नोड के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंटर्स हैं. जब मैं टू लेवल की बात करता हूँ तो देखिए हर एक नोड के अंदर दो पॉइंटर है. एक पॉइंटर जो है हर एक नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जो दूसरा पॉइंटर है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है. जैसे कि ये जो पॉइंटर है यहाँ पर थ्री नोड पे, ये इस वाले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि एक नोड को हमने स्किप कर दिया. नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हमारे पास स्किप नोड लिस्ट के अंदर अगर हमारे पास थ्री लेवल्स हैं, थ्री लेवल्स का मतलब क्या है, पहला जो पॉइंटर है वो हर एक नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा जो पॉइंटर है वो एक नोड को स्किप कर अगली नोड की तरफ पॉइंट करेगा, और जो तीसरा पॉइंटर है वो दो नोड्स को स्किप कर अगली नोड की तरफ पॉइंट करेगा. तो ये जो स्किप लिस्ट है फर्दर, या स्किप लिस्ट के अंदर हम लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 स्किप लिस्ट, इस तरीके से लेवल्स हम बना सकते हैं. और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हम जो ऑपरेशंस बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री पे परफॉर्म कर सकते थे, जो एफिशिएंट ऑपरेशंस होंगे, तो यहाँ पर भी हम ऑपरेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे. तो यहाँ पर जो सर्चिंग है डेटा एलिमेंट्स की वो भी काफ़ी एफिशिएंट हो सकती है. तो इस केस में भी, लेकिन इसमें ये एक रिस्ट्रिक्शंस है मोस्टली, जैसे कि हम जो डेटा है वो हम सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर स्टोर करेंगे, तो बैलेंस्ड ये जो स्किप लिस्ट है इट विल एक्ट एज ए बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, समथिंग लाइक दैट. और ये आपके जो सर्चिंग टाइम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा, ठीक है. तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम स्किप लिस्ट के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, और स्किप लिस्ट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस को भी हम परफॉर्म करेंगे, और चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर ऐसा केस है जहाँ पर स्किप लिस्ट आपका काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू अदर लिस्ट, ठीक है. तो हर एक लिस्ट जो हमने यहाँ पर चेक करी है, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट हो, चाहे वो डब्ली हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो अनरोल्ड लिस्ट हो, चाहे वो स्किप लिस्ट हो, तो हमने कितने टाइप्स देखे हैं यहाँ पर, हमने टोटल 5 टाइप्स देखी है. और हर एक टाइप की जो है वो किसी एक यूनिक तरह के ऑपरेशन के लिए काफ़ी एफिशिएंट है, किसी यूनिक तरह के काम के लिए वो लिस्ट हमारे पास बनी हुई है. तो वीडियोस जो अभी हम लिस्ट लिंक लिस्ट को हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे बेसिक लिंक लिस्ट से स्टार्ट करूँगा, जो है हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट. सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशंस है वो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद फिर मैं एक एक तरह की जो लिस्ट है इनको एक एक करके लूँगा, और सभी को मैं एक एक करके कवर करूँगा, ठीक है. तो अगर
बेटर है कि आप जो वीडियोस एक सीरीज़ में देख रहे हैं, जैसे कि जो वीडियो है ये मैंने एडा यानी कि एल्गोरिथम डिज़ाइन एनालिसिस के सब्जेक्ट में डाला है, तो इस वीडियो को आप सीरीज़ में देखते रहिए। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता भी है तब भी ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तब भी ठीक है, लेकिन पता होने के बाद ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे वीडियोज़ को सीरीज़ में देखते रहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वीडियो की जो स्पीड है वो स्पीड से आप उसको स्पीड बढ़ा के वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरी गारंटी है कि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा जो कुछ आपको ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट से और चेक करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट में ऐसे क्या क्या ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करेंगे जो कि काफ़ी एफिशिएंट, जो कि हम उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ फिर वापस आता हूँ और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ सिंगल लिंक लिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम जो ये जो पोर्शन है इसमें हम बेसिक ऑपरेशंस और लिस्ट पढ़ेंगे। तो हमारे पास तीन सबसे बेसिक ऑपरेशंस हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। पहला है लिस्ट को ट्रैवर्स करना। ट्रैवर्स करने से काफ़ी सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि काउंट के एक लिस्ट के अंदर कितने नोड्स हैं, या फिर उसके अलावा आप लिस्ट के अंदर कुछ डेटा को सर्च करना चाहते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी पहली जो ऑपरेशन है जिसमें ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, यानी कि लिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी लिस्ट को आपको ट्रैवर्स करना है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। दूसरा जो ऑपरेशन होगा हमारे पास बेसिक ऑपरेशन में वो है इंसर्टिंग एन आइटम इन द लिस्ट, यानी कि एक लिंक लिस्ट अगर आपके पास है तो उसके अंदर आप कुछ आइटम्स को इंसर्ट करेंगे। अब वो आइटम्स किसी भी पोजीशन में हो सकता है, वो लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हो सकता है, यानी कि सबसे पहली नोड, ऐड एन आइटम इन द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट। दूसरा हो सकता है कि उस लिंक लिस्ट के मिडल में कुछ आइटम को ऐड करना, या फिर हो सकता है कि उस लिंक लिस्ट के एंड में कुछ आइटम को ऐड करना, या फिर किसी आइटम को आप पूरी लिस्ट के कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पोजीशन है, 11th पोजीशन है, 10th पोजीशन है, एन माइनस 1th पोजीशन है। अगर मैं आपको कोई पोजीशन दे दूं तो आपको चेक करना है कि हम क्या उस आइटम को उस पोजीशन में हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो तीसरा हमारे पास ऑपरेशन होगा वो होगा डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। डिलीटिंग का मतलब है कि आप कहीं से भी आइटम को डिलीट करें, बिगिनिंग, मिडल, एंड, या कोई स्पेसिफिक पोजीशन, या किसी आइटम को, किसी नोड को सर्च कर कर कि आपको कोई नंबर चाहिए, जैसे कि नंबर आपके पास 12 चाहिए, तो पूरी लिंक लिस्ट में उस 12 नंबर को ढूंढ कर आप उस आइटम को डिलीट कीजिए। ठीक है, तो हम इन सभी ऑपरेशंस को एक एक करके करेंगे, जैसे कि ट्रैवर्सिंग द लिस्ट है उसको आप कैसे करते हैं, और इंसर्टिंग एन आइटम इन द लिस्ट है उसको आप कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जब मैं लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, काफ़ी केसेस में मुझे जैसे प्रोग्राम्स लिखने होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा, पहली चीज़ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका और मेरा, हम दोनों का टाइम सेव करूं, क्योंकि हम जितना टाइम सेव करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैं काफ़ी केसेस में ऐसा करूंगा कि जो प्रोग्राम्स हैं मैं ऑलरेडी पहले लिख लूंगा, लिखने के बाद जब कैमरा ऑन होगा तो जो प्रोग्राम है वो आपके सामने होगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोग्राम में हर एक लाइन का क्या मतलब है और इस प्रोग्राम में हम क्या क्या कर रहे हैं। तो उससे ऐसा होगा कि आपको प्रोग्राम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी, आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ को हम कैसे करते हैं। ठीक है, और लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर मुझे स्टेप बाई स्टेप प्रोग्राम लिख के दिखाना पड़ेगा, तो ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए, तो उस केस में प्रोग्राम्स को लिखूंगा भी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए जो मेन एम है वो है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा प्रोग्राम्स को लिख बना भी पाएंगे। जो इससे पहले मैंने इंग्लिश के जो वीडियोज़ बनाए थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वहाँ पर मैंने हर एक जो प्रोग्राम है उसको स्टेप बाई स्टेप लिख के दिखाया है कि हर एक प्रोग्राम को आप कैसे लिखेंगे, उस प्रोग्राम में हर एक ऑपरेशन का क्या मतलब है और किस तरीके से आप उसको करेंगे। आप चाहें तो वो वीडियोस, पुराने जो वीडियोस हैं उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, आप चाहें तो इन वीडियो से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम को मैं से बाय द वे मैं ऑलरेडी समझ बिना देखे भी बिना लिखे भी उसको कर सकता हूँ, बट बेटर ये है कि टाइम भी सेव होगा हमारा और हम ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ भी पाएंगे। तो जो सबसे पहला हमारे पास ऑपरेशन है वो है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। तो मैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट के बारे में कुछ यहाँ पर लिखूंगा और देखते हैं कि उसे हम लोग कैसे करते हैं। तो जब सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, और ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट को हम काफ़ी अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखो, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट का मतलब क्या है कि एक लिंक लिस्ट आपके पास है और उसके हर एक नोड को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विजिट करना है। विजिट करने को बोलते हैं ट्रैवर्स करना। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, देखो एक लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। हमारे पास एक नोड है
हर एक नोड के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं, एक है हमारे पास डेटा पार्ट और दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। तो डेटा पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट, हर एक नोड के अंदर डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट दोनों चीज़ होने वाली है। अब एज्यूम करो कि आपने पहली नोड को बनाया, ठीक है, आप नोड को बनाया, नोड को बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि इस नोड का जो मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि नोड को आप कैसे बनाएंगे, कैसे मेमोरी एलोकेट करेंगे। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो मेरे जो सी प्रोग्रामिंग के वीडियोज़ हैं और डेटा स्ट्रक्चर के जो वीडियोज़ हैं इंग्लिश में, वो आप दोबारा से देख लीजिए। और मैं इस चीज़ को एक बार मैं जब सी लैंग्वेज को हिंदी में रिकॉर्ड करूँगा, सी लैंग्वेज को, आई थिंक अगर आप इस एक बार ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद दोबारा से सी प्रोग्रामिंग पर दोबारा से आऊँगा, उसको भी हिंदी में मैं एक बार रिकॉर्ड करूँगा। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक नोड बना सकते हैं, किस तरह से मेमोरी एलोकेट करते हैं, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा। बट अभी आप समझे कि हमारे पास एक नोड है, तो इस नोड को जब आप मेरे लोकेट करेंगे तो इसका कुछ एड्रेस होगा। अब जो इसका एड्रेस होगा वो हमने हेड के अंदर स्टोर किया, यानी कि हेड एक पॉइंटर है, यहाँ पर हमने इस नोड का एड्रेस स्टोर किया है, ठीक है। अब जो अगली नोड है, जो इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई है, एज्यूम करो इस नोड को मेमोरी लोकेशन 2000 पर मेमोरी लोकेट हुई है, तो ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो अगली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। उसी तरीके से जो नेक्स्ट वाली जो नोड है हमारे पास, नोड नंबर, ये जो हमारे पास नोड है, इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो मेमोरी लोकेशन 3000 पर एलोकेट हुई है, तो इसका जो एड्रेस है वो पिछली वाली नोड स्टोर करेगी। तो सिंगल लिंक लिस्ट में हर एक नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर, वो अगली वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब हमें जब ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स का मतलब है कि हमने इस नोड को विजिट करना है, फिर हमें इस नोड को विजिट करना है, फिर हमें इस नोड को विजिट करना है, और फिर हमें इस नोड को विजिट करना है, यानी कि हर एक नोड को एक एक करके हमें विजिट करना है। अब देखो पहला हमारा ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट का मतलब क्या है कि हमें पूरी लिस्ट को विजिट करना है तो कैसे करेंगे। पहला स्टेप है फॉलो द पॉइंटर्स, यानी कि जहाँ पर ये पॉइंटर्स आपको लेकर जा रहा है आप सबको फॉलो करते रहिए। और दूसरा, अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है कि इस नोड के अंदर डेटा क्या है, तो आप उसके डेटा को, कॉन्टेंट को आप डिस्प्ले कीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी, आप उसको काउंट कर सकते हैं। और फिर स्टॉप व्हेन द पॉइंटर पॉइंट्स टू नल, यानी कि जैसे ही पॉइंटर आपका नल पॉइंट करेगा आप वहाँ पर रुक जाइए, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन होगा। अब इसको हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हमारे पास है नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम, जिसके अंदर हम रिकर्जन यूज़ नहीं करेंगे, और दूसरा हमारे पास होगा रिकर्सिव प्रोग्राम, जिसके अंदर हम रिकर्जन को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको बताऊंगा कि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या होगा और रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या होगा, किस तरीके से हम रिकर्जन को यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। तो आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया है और हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला जो फंक्शन मैंने बनाया है कि बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन का सिंपल सा काम है कि हर एक नोड को आपको ट्रैवर्स करना है, जो पहली नोड से लेकर लास्ट नोड तक हर एक नोड को आप ट्रैवर्स करेंगे। तो इस फंक्शन में क्या किया है, देखो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर हम नोड स्टार हेड, यानी कि ये जो लिंक लिस्ट है इसका हेड का पॉइंटर पास करेंगे। जैसे कि हेड का जो पॉइंटर है वो हमारे पास डेटा 1000 स्टोर कर रहा है, तो इस हेड पर ये जो हमारे पास हेड वेरिएबल होगा यहाँ पर हेड, इसके अंदर हम पास करेंगे वेरिएबल के अंदर 1000, यानी कि जो नोड का स्टार्टिंग एड्रेस है। फिर हमने एक पॉइंटर लिया नोड स्टार पी इज इक्वल टू हेड, यानी कि हमने एक और पॉइंटर यहाँ पर बनाया पी, और पी के अंदर हमने जो हेड का डेटा है वो स्टोर किया, तो पी जो स्टोर करेगा दैट विल बी 1000। उसके बाद हमने क्या किया, वाइल पी ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि पी जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जब तक ये नल ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि पी अभी इनिशियली यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इनिशियली, बिकॉज हमने किया नोड स्टार पी इज इक्वल टू हेड, तो जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा था वहीं पर पी पॉइंट करेगा, तो पी अभी इनिशियली यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। वाइल पी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक पी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये नल ना हो जाए तब तक पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट आप करते रहिए, यानी कि पी के अंदर जो नेक्स्ट वाला पार्ट का जो एड्रेस है वो आप पी के अंदर स्टोर करते रहिए। कैसे, जैसे कि पी अभी इस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, इस नोड पर नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या स्टोर है वैल्यू 2000, और जो 2000 है वो इस समय पर नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे p इज इक्वल टू पी आर ओ नेक्स्ट, यानी कि p के अंदर जो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो डेटा है वो हम p के अंदर स्टोर करेंगे, तो p क्या हो जाएगा वो हमारे पास 2000, ठीक है। फिर दोबारा से हम इस कंडीशन पर जाएंगे, फिर से इसको चेक करेंगे कंडीशन। अब जब p के अंदर 2000 स्टोर है यानी कि p अब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, अब 2000 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर क्या स्टोर है 3000, और जो 3000 है वो नल नहीं है, तो ये जो कंडीशन है फिर से ट्रू हो गई, तो हम क्या करेंगे p इज इक्वल टू p एरो नेक्स्ट, यानी कि p के अंदर हम नेक्स्ट वाले पार्ट का डेटा स्टोर करेंगे।
तो ये क्या स्टोर करेगा पी, अब 3000, 3000 का मतलब है कि पी अब यहाँ से लेकर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब ये जो 3000 वाला पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या स्टोर कर रहा है यहाँ पर 4000। जो 4000 एड्रेस है ये अगेन नल नहीं है, तो मेरी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो हमने क्या पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, यानी कि जो नेक्स्ट वाला पार्ट का जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर किया पी के अंदर, तो पी स्टोर करेगा 4000, तो पी अब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, जो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नल है। अब जैसे ही इसका नेक्स्ट वाला पार्ट नल है तो ये जो वाइल लूप है ये फेल हो जाएगा, यानी कि पी जो है वो लास्ट नोड तक जाएगा और लास्ट नोड पर वो फेल हो जाएगा, बिकॉज ये नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर नल है और इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो अब चेक करो, जो पी एक पॉइंटर है उसने हर एक नोड पर एक एक करके विजिट किया, यानी कि हर एक नोड पर एक एक करके ट्रैवर्स किया। तो ये है ट्रैवर्स करना, कि हर एक नोड को विजिट करना, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग करना। अब ध्यान दो, अगर मैं इस कंडीशन को इस तरीके से चेंज करूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाइल पी आर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर मैं इसको ऐसे चेंज करूँ वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, पी इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर जैसे ही पी लास्ट नोड पर पहुँचा वो रुक गया, लेकिन अगर मैं करता हूँ वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल इसकी जगह पर, तो क्या होगा, जो लास्ट नोड का नल है तो पी यहाँ पर नल स्टोर करेगा, तो यानी कि पी ने लास्ट नोड को भी रीड किया, अब वो एक नल पॉइंटर पर पॉइंट कर रहा है। तो अगर हमें लास्ट नोड को भी रीड करना है तो उस केस में हमें करना पड़ेगा वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल। तो सिंपल सा ऑपरेशन है ट्रैवर्स करने का, ठीक है। अब इसी के अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हर एक नोड का डेटा प्रिंट करें, तो प्रिंट करने के लिए इस लाइन से पहले या फिर इस लाइन के बाद, ठीक है, बेटर है कि इस लाइन से पहले आप प्रिंट डेटा एक जो फंक्शन है प्रिंट एफ का वो फंक्शन लिख लीजिए। यानी कि अगर आपको डेटा प्रिंट करना है तो इस लाइन से पहले आप लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा पी एरो डेटा, यानी कि पी जहाँ पर पॉइंट कर रहा है आप उसका डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब ये जो ट्रैवर्स वाला फंक्शन हो गया सिंपल क्या करेगा, ये डेटा को प्रिंट करेगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आप डेटा को प्रिंट करना चाहते हो या आप डेटा को जो है उसको काउंट करना चाहते हो नोड को, जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसको इस वाइल लूप के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है सिंपल सा ही ऑपरेशन है कि एक पॉइंटर लो जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करे और लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करे। तो आप लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करना चाहते हो तो यानी कि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम इस ट्रैवर्स फंक्शन को लिखेंगे, इस ट्रैवर्स फंक्शन को यूज़ करेंगे ताकि हम लास्ट नोड तक पहुँच सकें या कुछ भी ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकें। तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जो मैं कराऊंगा उसके अंदर हम इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, कि काफ़ी केसेस में ऐसा होगा जैसे फॉर एग्जांपल हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है या लास्ट नोड के बाद एक नई नोड को ऐड करना है या फिर सेकंड लास्ट को डिलीट करना है। तो किसी भी केसेस में जहां पर हमें एक स्पेसिफिक नोड तक पहुँचना है तो वहां पर पहुँचने के लिए हम इस ट्रैवर्स फंक्शन का बहुत बार यूज़ करेंगे। तो आपको बस एक पहले बेसिक फंक्शन समझ में आना चाहिए कि बेसिक फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अगर आपको बेसिक फंक्शन समझ में आता है तो हम आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बेटर है आप मुझे दोबारा से लिखिए। देखो, मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करने में कोई परेशानी नहीं है, वीडियोज़ को मैं कितनी बार भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए कि सर वीडियोज़ को नहीं समझ आ रहा, तो मैं उस वीडियो उसको रिजॉल्व करूँगा, उस प्रॉब्लम को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट जो है इसी फंक्शन की एक मॉडिफिकेशन है कि हम लिंक्ड लिस्ट की लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं। तो मेज़र करने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था इस केस में हम डेटा को सिर्फ प्रिंट कर रहे थे, लेकिन इस केस में अब मैं कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। वो ऑपरेशन क्या है हमारे पास, काउंट करना, ठीक है। अब देखो हमने एक यहाँ पर जो चेंज परफॉर्म किया है, मेजर चेंज, वो हमने किया है वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पर क्या परफॉर्म किया था, वाइल पी ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इस छोटी सी लाइन से काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। मैं दोनों केस में आपको बताऊंगा कि क्या होगा। अब देखो अगर मैं इस केस में इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अगर मैं ऐसा लिखता यहाँ पर वाइल पी ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में क्या होता कि जो पी है, देखो पी जो है वो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पी को हम हर बार इंक्रीमेंट करेंगे और हर एक नोड पर पहुँच के हम उसको काउंट करेंगे। अब अगर हम इस लाइन को लिखते हैं वाइल पी ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो इससे ये होगा कि जो पी है वो लास्ट नोड तक पहुँचेगा ज़रूर, लेकिन लास्ट नोड पर पहुँचते ही ये जो वाइल लूप है फेल हो जाएगा
और फेल होते ही हम इस वैल्यू से बाहर आ जाएंगे, यानी कि हम लास्ट नोड को काउंट ही नहीं कर पाएंगे। आप सिंपल एक प्रोग्राम बना के देखिए, प्रोग्राम में आप चेक करोगे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल पी ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो यानी कि आप लास्ट नोड पर पहुँचने के बाद आप उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप लास्ट नोड तक पहुँचो, उसको काउंट करो, फिर आप इस फंक्शन से बाहर आओ। तो हमने इसलिए क्या किया कि नोड स्टार पी इज इक्वल टू हेड, यानी कि पी जो है इनिशियली हेड पे पॉइंट करेगा। हमने एक और वेरिएबल यहाँ पर ले लिया काउंट, एक वेरिएबल ले लिया हमने काउंट, तो काउंट के अंदर इनिशियली वैल्यू है जीरो। अब देखो अगर पी इनिशियली यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, मैं इसके ऊपर फिर से रब करके आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझा देता हूँ, तो आपको थोड़ा आसान होगा समझने के लिए। तो वाइल पी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो पी जो है वो इनिशियली हेड पर पॉइंट कर रहा है। क्या ये पी के अंदर हेड पर पॉइंट कर रहा है, यानी कि पी के अंदर क्या स्टोर है, 1000, यानी कि हेड वाली नोड का डेटा। तो पी जो है वो पहली नोड का जो एड्रेस है, सॉरी पहली नोड का जो एड्रेस है वो पी स्टोर कर रहा है 1000। तो क्या ये 1000 नल है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट की वैल्यू को 1 करेंगे, यानी कि पहली नोड को हमने काउंट किया, फिर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, यानी कि पी अब इसकी जगह पर इस वाली नोड पर पॉइंट करेगा, यानी कि पी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2000। ठीक है, अब दोबारा से हम ऊपर जाएंगे वाइल लूप में और चेक करेंगे क्या कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब देखो पी इस वाले नोड पर पॉइंट कर रहा है, यानी कि नोड का जो एड्रेस है वो 2000 है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू हो गई 2, यानी कि हमने इस वाली नोड को काउंट किया और हमने किया पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, यानी कि पी जो है अब इस वाली नोड पर पॉइंट करेगा, यानी कि जो पी के अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो होगा 3000। अब 3000 पर आते ही दोबारा से हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 3000 नल है? हम क्लियरली कह सकते हैं 3000 नल नहीं है, तो हम करेंगे काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 3, यानी कि हम जिस भी नोड पर पहुंचेंगे उसको काउंट करेंगे और फिर पी को आगे पॉइंट कर देंगे, तो पी जो है अब वो यहाँ पर पॉइंट करेगा। अब जैसे ये हमारे पास नोड 4 है, तो यहाँ पर आते ही क्या होगा, इट इज़ नॉट नल, हमने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, काउंट की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, और हमने किया पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल स्टोर कर रहा है, तो पी अब पॉइंट करेगा नल की तरफ, यानी कि पी अब किसी भी नोड का एड्रेस स्टोर नहीं करेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर वापस जाएंगे तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब चेक करो पूरा वाइल लूप ओवर होने के बाद जो काउंट की वैल्यू है वो है 4, यानी कि आपने इस लिंक्ड लिस्ट में कितनी भी नोड्स, जितनी नोड्स हैं आपने सबको काउंट किया, और वाइल लूप से बाहर आते ही आपने रिटर्न किया काउंट, यानी कि लिंक्ड लिस्ट में जितनी नोड्स हैं आप सबके काउंट को आपने रिटर्न कर दिया। समझ आया आपको? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को दोबारा से पॉज कीजिए, फिर दोबारा से रिवाइंड करके फिर से चेक कीजिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो वाइल लूप है हमारे पास, वाइल लूप अगर इसके अंदर हम लिखते पी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में जैसे ही पी लास्ट नोड पर पहुंचता उसका नेक्स्ट वाला पार्ट नल होता, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती और हम इस काउंट प्लस प्लस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर इसकी जगह पर ये वाली स्टेटमेंट होती तो जो काउंट की वैल्यू है मैक्सिमम वो रह जाती है आपके पास 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने फंक्शन के अंदर, ट्रैवर्स फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन करने के बाद आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फंक्शन में लिखे दोनों ट्रैवर्स फंक्शन, वो आपके पास नॉन रिकर्सिव फंक्शन था, यानी कि कोई रिकर्सिव प्रोग्रामिंग का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर आप छोटी सी और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जहाँ पर आप रिकर्जन का यूज़ करेंगे। रिकर्जन में क्या करेंगे कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर लिंक्ड लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती या फिर हेड नल की तरफ पॉइंट कर रहा है तो आप रिटर्न कर जाएंगे, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप जो होगी वो आपकी वॉइड होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप हेड को अगली नोड पर, हेड का जो डेटा है उसको प्रिंट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने ऑपरेशन को परफॉर्म किया, तो इसके साथ आप काउंट ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते थे। काउंट को एक ग्लोबल वेरिएबल लेकर आप उसको काउंट प्लस प्लस भी कर सकते थे, बट मैंने एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि है प्रिंट एफ ऑपरेशन। आपने डेटा को प्रिंट किया और आपने हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, यानी कि हेड को अगली नोड पर पॉइंट करा दिया, और फिर हम दोबारा से इसी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यानी कि अगली नोड का डेटा प्रिंट किया और डेटा को प्रिंट करके फिर से हेड को अगली नोड पर पॉइंट करा दिया, फिर से इस फंक्शन कॉल करेंगे एंड सो ऑन। कब तक कॉल करते रहेंगे? जब तक हेड नल की तरफ पॉइंट ना करे, और जैसे ही हेड नल की तरफ पॉइंट करेगा हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, और ये जो फंक्शन है ये हमें डेटा, ये जो लिंक्ड लिस्ट है उसको थॉरली ट्रैवर्स कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन को यूज़ किया है वो एक प्रिंट एफ फंक्शन है, इसकी जगह पर आप काउंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या अपना कोई और ऑपरेशन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन अभी हमने चेक किया वो है ट्रैवर्सल लिस्ट, यानी एक लिंक लिस्ट के हर एक आइटम को ट्रैवर्स करना और उन आइटम्स को चेक करना कि वहाँ पर
या तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है या उसके ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है या नोड को काउंट करना है, तो वो जो बेसिक ऑपरेशन है वो हमारे पास ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन है। अब इसके हम काफ़ी दूसरे जो फंक्शंस लिखेंगे, जैसे कि इंसर्टिंग एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, या मिडल में इंसर्ट करना है डिलीट करना है, या फिर किसी स्पेसिफिक पोजिशन पर पहुँचना है, तो हर एक केस में हम ट्रैवर्स फंक्शन का ही यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको रब करता हूँ और दोबारा से वापस आता हूँ। जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग करेंगे वो है हमारे पास इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, तो अब हम सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और सेकंड ऑपरेशन सिंपल है कि इंसर्ट एन आइटम इन द लिंक्ड लिस्ट। अब वो आइटम आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, मिडल ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, या फिर किसी लिंक्ड लिस्ट के अंदर किसी भी रैंडम पोजिशन के अंदर। अब यहाँ पर जो मैं आपको प्रोग्राम लिखूंगा, मैंने इन तीनों केसेस को एक ही प्रोग्राम में कंबाइन कर दिया है बिकॉज़ वो थोड़ा सा एफिशिएंट रहेगा मेरे लिए लिखने के लिए और समझाने के लिए भी, लिखने के लिए एक्चुअली। बट जो पहले मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किया था तो मैंने हर एक तरह के ऑपरेशन के लिए मैंने अलग अलग फंक्शंस लिखे थे या फिर प्रोग्राम जो है वो अलग अलग बनाया था। अब चाहो तो वो भी रेफर कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली एक तरह से शॉर्टकट फॉर्म में मैंने देखो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर ये वीडियोस हिंदी में देखे हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए जो पहले वाले वीडियोस में नहीं था। तो ऑब्वियसली आप पहले वाले वीडियोस को देखेंगे और फिर इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमें जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर कुछ नई न्यू नोड को या न्यू डेटा को इंसर्ट करना है। अब पहला जो केसेस है हमारे पास, पहला केस है इंसर्ट एट द बिगनिंग, यानी कि इस पूरी लिंक लिस्ट में बिगनिंग में आप यहाँ पर कुछ न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे। दूसरा है इंसर्ट एट द एंड, यानी कि पूरी लिंक लिस्ट में सबसे एंड में यहाँ पर जाके आप कुछ न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे। और तीसरा है इंसर्ट एट द मिडल, या फिर हम कह सकते हैं इंसर्ट एट सम रैंडम लोकेशन। तो उस रैंडम लोकेशन में जो भी लोकेशन आपको दे दी जाए उस लोकेशन पर आपको न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो ये तीन जो ऑपरेशंस हैं इंसर्शन के सबसे बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो पहला ऑपरेशन देख लेते हैं इंसर्ट एट द बिगनिंग के आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको कोई डेटा इंसर्ट बिगनिंग में करना है, एज्यूम करो जो डेटा के अंदर जो वैल्यू है, जो नोड के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 है, तो आप सबसे पहले तो न्यू नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो एज्यूमिंग दिस इज द न्यू नोड, तो इस न्यू नोड के दो पार्ट होंगे, पहला जो डेटा पार्ट है और दूसरा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो इनिशियली हमारे पास नल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करना, देखिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन का जो मैं सीक्वेंस बोलता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का ज़रूर ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो आपको एक नोड इसके बिगनिंग में ऐड करनी है, तो पहला ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म करेंगे, पहला ऑपरेशन है कि जो नई नोड है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इस नेक्स्ट वाले पार्ट में आप फर्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करो, यानी कि स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन द नेक्स्ट पार्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, यानी कि हेड जो आपके पास है ये जो हेड पॉइंटर है इससे आपका फर्स्ट नोड का आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर पहली वाली नोड का आपको एड्रेस स्टोर करना है। फिर उसके बाद आप इस हेड को यहाँ पर पॉइंट कराएंगे, तो इस हेड को आप यहाँ से यहाँ पर पॉइंट कराएंगे, तो आप बोलेंगे हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये पहला ऑपरेशन होगा, यानी कि एक नई एक नोड को आपको बिगनिंग में अगर ऐड करना है तो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई नोड एंड में ऐड करना चाहते हैं, तो एंड में ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले एक नई नोड बनाई, ठीक है, एज्यूमिंग ये आपकी एक न्यू नोड है और इसके अंदर कुछ डेटा है हमारे पास 9। तो अगर आपको नोड एंड में ऐड करनी है तो सबसे पहले आप एंड तक पहुंचिए, तो उसके लिए आपको ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रैवर्स करके आप एंड तक पहुंचेंगे, एज्यूमिंग पी इस नोड पर पॉइंट कर रहा है। अब इस नोड पर पहुंचने के बाद क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, पहला जो आप ध्यान रखेंगे वो करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आपको इसे यहाँ पर पॉइंट कराना है, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो आप ऐसा करेंगे तो आप एग्जैक्टली ये जो नोड है इसके लास्ट में इंसर्ट हो जाएगी। तो एक सिंपल सा एक ही ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उससे, और आप इसको ऐड कर सकते हैं और ये वाला जो पोर्शन इसको नल पॉइंट कर सकते हैं, तो जो पी का जो पहला पॉइंटर है वहाँ पर इसको नल पॉइंट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको किसी रेंडम लोकेशन पर नोड को ऐड करना है, एज्यूम करो आपको एक नोड इस नोड के बाद ऐड करनी है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम पहले एक नई नोड बनाएंगे, एज्यूमिंग ये आपकी वो न्यू नोड है, इसके अंदर कुछ डेटा होगा, एज्यूमिंग वो डेटा है हमारे पास 0 और ये नल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ध्यान रखना सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो आप
समझ नहीं पाएंगे और आपका प्रोग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, पहला जो सीक्वेंस आप परफॉर्म करेंगे, वो बोलेंगे कि इस वाली नोड से इस वाली नोड का एड्रेस आप लेंगे, ताकि आप ये जो इसका न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, आप इसको यहाँ पर स्टोर, यहाँ पर पॉइंट करवा सकें। और फिर उसके बाद यह पहला जो ऑपरेशन ये परफॉर्म हुआ, तो इसका मतलब ऑपरेशन क्या था कि हमारे पास न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू इस वाली नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, इस वाली नोड से। एज्यूम इसको हमने क्यू से पॉइंट किया है, तो क्या होगा कि इट विल बी क्यू एरो नेक्स्ट। अगर इसके पहले इस वाली नोड को हमने क्यू से पॉइंट किया, तो इस क्यू का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, तो हमने किया क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो न्यू नोड के अंदर हमें इस लाइन से क्या होगा कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। अब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि ये जो क्यू है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमें इसको यहाँ पर परफॉर्म पॉइंट कराना है, यानी कि हमें इस वाले पॉइंटर को हटाना है। तो उसकी जो अगली लाइन आएगी वो आएगी क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये जो तीन ऑपरेशन है, बिगिनिंग में ऐड करो, ऐड में ऐड करो, या फिर किसी रैंडम लोकेशन पर ऐड करो, तो ये जो तीनों ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को करने के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है जहाँ पर तीनों ऑपरेशन को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो इस प्रोग्राम को समझते हैं, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा इंट, इंसर्ट इंट लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहला है कि हमने हेड का पॉइंटर लिया, जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा है उसकी लोकेशन लिया, फिर डेटा लिया जो हमें इंसर्ट करना है, और तीसरा पोजीशन की कौन सी पोजीशन में इंसर्ट करना है। अगर मैं पोजीशन लिखता हूँ वन, वन का मतलब है कि लिंक लिस्ट की बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। अगर मैं पोजीशन लिखता हूँ एंड, यानी कि लिंक लिस्ट के सबसे एंड में इंसर्ट करना है। अब लेटर से मैं कोई पोजीशन लिखता हूँ आपके पास एक्स को भी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एनी पोजीशन एक्स, तो यानी कि उस पोजीशन में हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया के इक्वल टू वन। एक्चुअली जो के वेरिएबल है ये हम यूज़ करेंगे काउंट करने के लिए कि हम कौन सी नोड पर पहुँच चुके हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग, इसको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिर हमने कुछ पॉइंटर्स ले लिए ताकि हम लिंक लिस्ट की तरफ पॉइंट करा सकें। फिर हमने क्या किया, एक न्यू नोड बनाई, यहाँ से जो न्यू नोड है वो उसको मेमोरी एलोकेट करी। ऑब्वियसली जो मैलोक फंक्शन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमने यूज़ किया है। फिर इफ़ नॉट ऑफ न्यू नोड, यानी कि न्यू नोड को अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, तो यानी कि आपकी मेन मेमोरी फुल है, कम्प्लीटली फुल है, आप न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, जो मैलोक फंक्शन है उस केस में हमें नल रिटर्न करेगा। तो हमने चेक किया इफ़ नॉट ऑफ न्यू नोड, यानी कि अगर नल रिटर्न किया, यानी कि हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, तो हम सिंपल सा एक प्रिंट ऑफ कर रहे हैं कि मेमोरी एरर, हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, हम रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम जो नई नोड हमने बनाई थी उसके अंदर हमने अपना डेटा स्टोर किया, जैसे कि एज्यूम करो ये आपकी न्यू नोड है, तो इस न्यू नोड के जो डेटा पार्ट है, ये आपके पास डेटा पार्ट है और ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, तो इस लाइन से उसका जो डेटा पार्ट है वहाँ पर हम डेटा स्टोर कर देंगे जो भी हमें मिला है। जैसे कि डेटा अगर हमें 9 मिला है तो हम 9 यहाँ पर स्टोर कर देंगे। फिर हमने किया p इज इक्वल टू हेड, यानी कि जो p है, p जो है वो बिगिनिंग में पॉइंट करेगा, p जो है यहाँ पर, p जो है वो लिंक लिस्ट की बिगिनिंग में पॉइंट करेगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू हेड का मतलब यही हुआ हमारे पास। अब हमने चेक किया अगर पोजीशन हमें फर्स्ट दी गई, यानी कि पहली पोजीशन में आपको डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। पहला ऑपरेशन है न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, ठीक है। तो हमने कर दिया न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी, पी क्यों, पी जो है वो हेड और पी दोनों एक ही डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो क्या करेगा न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। दूसरा हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो एग्जैक्टली हमने सेम वही ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पर, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये सेम ऑपरेशन जो है हमने यहाँ पर भी परफॉर्म किया है। तो पहली पोजीशन में आप ऐसे डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब एज्यूम करो आपको किसी और पोजीशन में इंसर्ट करना, चाहे वो लास्ट है, मिडल है, कोई भी रैंडम पोजीशन है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो हमने लूप लिखा है, बेसिकली ये जो लूप है ये ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ होगा, यानी कि लिंक लिस्ट में आप स्टार्टिंग से जाओ, देखो पी आर ओ पी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स नेक्स्ट नल, यानी कि ये ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लोग और पी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हम पोजीशन को चेक कर रहे हैं कि आपको कौन सी पोजीशन में इंसर्ट करना है। एज्यूम करो आपकी जो पोजीशन है वो नोड नंबर 1 से लेकर नोड नंबर n तक है, और आपको किसी पोजीशन लेटर से 9 तक जाना है। तो हम चेक करेंगे ये कि उस पोजीशन तक जाने तक जो हमारी जो करंट पोजीशन है वो क्या है। एक सिंपल सा इसको प्रोग्राम से मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये आपकी लिंक लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है,
पी जो है उसका जो वो है वो नल नहीं है, तो नेक्स्ट पार्ट नहीं चेक कर रहे, हम चेक करें इफ़ पी इज नॉट इक्वल टू नल। दूसरा के इज़ लेस देन पोजिशन, अब जो के है वो हम पोजिशन के लिए चेक कर रहे हैं, जैसे पोजिशन में 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, 50 है, या 5 है, या 3 है, जो भी है वो हम इस पोजिशन के अंदर स्टोर करेंगे। अब इनिशियली के ने वन स्टोर किया, यानी कि के जो है पी जो है पहली नोड पर पॉइंट कर रहा है, हम पहली नोड के बाद हम पॉइंट करेंगे के प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। फिर Q इज इक्वल टू P, यानी कि एक पॉइंटर हमने Q लिया जो कि इस नोड पर पॉइंट करेगा, और P इज इक्वल टू नेक्स्ट, यानी कि P को हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे। तो ध्यान दो जो Q है वो हमेशा एक नोड पहले पॉइंट करेगा P से। तो हमने क्या, Q इज इक्वल टू P एंड P इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है। दोबारा से चेक करेंगे, देखो दोबारा से मैं चेक किया, वाइल P इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि P जो है वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा। दोबारा से हम K की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, K का मतलब है हमने 3 किया, फिर किया Q इज इक्वल टू P, यानी कि Q है अब यहाँ पर पॉइंट करेगा, और P इज इक्वल टू नेक्स्ट, यानी कि P जो है अब वो यहाँ पर पॉइंट करेगा। फिर से P नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोबारा से यहाँ पर करेंगे P इज इक्वल टू P एरो नेक्स्ट, यानी कि P को नेक्स्ट पे पॉइंट कराएंगे, ठीक है। ये P लास्ट नोड पर पॉइंट कर रहा है, फिर हमने दोबारा से K की वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग फिर से हमने चेक किया कौन सी पोजीशन है, अगर पोजीशन लेस है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, अगर हम उस पोजीशन पर अभी भी नहीं पहुंचे हैं तो हम K को इंक्रीमेंट करेंगे, उस पोजीशन तक जाते जाएंगे। तो बेसिकली ये जो लूप है ये हमें एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लेकर जा रहा है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 2 है, अगर हमें किसी नोड को लेटर से पोजीशन n पर इंसर्ट करना है तो ये जो लूप है उससे एक उस पोजीशन तक जाएगा, और हमारे पास Q और P दो पॉइंटर्स हैं जो कि एक पहली उससे पहले वाली नोड और एक उस नोड पर पॉइंट करेगा, तो ये उस पोजीशन तक हमें लेकर जाएगा। उस तक लेकर जाने के बाद एग्जैक्टली जो हमारे पास ये ऑपरेशन था, देखिए मैंने आपको ये ऑपरेशन बताया था कि इंसर्ट एट सम स्पेसिफिक पोजीशन, तो एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे हमने जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो काम है वो इजीली बन जाएगा। तो ये जो एल्स लूप है, यहाँ पर एल्स जो हमने यूज़ किया है, ये बेसिकली यूज़ किया जो कोड है ये हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर जाने के बाद वहाँ पर डेटा इंसर्ट करने के लिए हम एल्स वाले कोड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो एक आप ऐसा कीजिए, देखो जब भी आप किसी प्रोग्राम को समझते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए कि इस वाले कोड से इस वाली लाइन से क्या होगा, इस वाली लाइन से क्या होगा, इस वाली लाइन से क्या होगा, इस वाली लाइन से क्या होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं ऐसा करूँगा कि इस वाले जो कोड को फिर से दोबारा से समझा सकता हूँ। आप मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताओ कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे बताओ कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है, मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड करूँगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस पोर्शन में हम लिंक्ड लिस्ट का जो थर्ड ऑपरेशन है वो चेक करने वाले हैं। तो लिंक्ड लिस्ट का जो थर्ड ऑपरेशन है वो डिलीशन एंड आइटम, डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इसके अलावा हम एक और ऑपरेशन चेक करेंगे कि आप पूरी की पूरी लिस्ट को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग एन आइटम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई लिंक्ड लिस्ट गिवन है, इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, अब आपको इन सभी एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना है, चाहे वो आपका फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, वो आपका लास्ट एलिमेंट हो सकता है, या फिर वो जो एलिमेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में हो सकता है, यानी कि एक आइटम को आपको लिस्ट में से डिलीट करना है। अब फर्स्ट एलिमेंट को अगर आप डिलीट करेंगे तो आपको क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, हम पहले उन ऑपरेशंस का सीक्वेंस चेक कर देंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इसका एक जो प्रोग्राम है जनरलाइज्ड प्रोग्राम जो कि तीनों चीज़ों को एक ही प्रोग्राम से काम चल जाएगा, उस एक प्रोग्राम को हम लोग चेक करेंगे कि उसे कैसे कर सकते हैं। देखिए हर एक नोड का एक एड्रेस होगा, जैसे कि अज्यूमिंग दिस इज एड्रेसेस आर जस्ट अजम्पशंस राइट, तो ये हमारे नोड्स के एड्रेसेस हैं करेक्ट, और जो हेड नोड है वो पहली नोड का एड्रेस यानी कि 1000 यहाँ पर स्टोर कर रहा होगा। अब देखो अगर आपको पहली नोड को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर लो जो कि एज्यूम जो सेकंड नोड है वहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, इसको ऐसा कर सकते हैं बेसिकली एक पॉइंटर लो जो कि पहली नोड की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, जैसे कि वो पॉइंटर हमारे पास पी, पी ने 1000 को स्टोर किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट काम है पॉइंटर को इस नोड की पॉइंट कराओ। दूसरा काम ये है कि हेड जहाँ पर पॉइंट कर रहा है वो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर होगा, हेड के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, तो इस पार्ट से आप जो एड्रेस है वो यहाँ पर हेड के अंदर स्टोर कर दीजिए, यानी कि हेड के अंदर आप स्टोर करेंगे 2000। इसका मतलब है कि हेड यहाँ पर पॉइंट करने की जगह पर अब हेड यहाँ पर पॉइंट करेगा। और तीसरा काम है कि जिस नोड को आपको डिलीट करना है इसकी मेमोरी को आप फ्री कर दीजिए, मेमोरी को आप फ्री कर दीजिए। तो ये तीन ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या है कि मेक पी पॉइंट टू हेड,
ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा कि मेक हेड पॉइंट टू हेड एरो नेक्स्ट, यानी कि जो नेक्स्ट वाली नोड है वहाँ पर हेड को पॉइंट कराओ, इस वाली नोड को हेड को पॉइंट कराओ। और तीसरा जो ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा हमारे पास फ्री पी, यानी कि जिस मेमोरी को पी ने पॉइंट किया हुआ है उसको फ्री कर दो। अगर आपको पहली नोड को डिलीट करना है तो ये तीन ऑपरेशंस इस सीक्वेंस में आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब उसी तरीके से अगर आपको लास्ट नोड को पॉइंट करना है, देखो लास्ट नोड को पॉइंट करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अब हमें दो पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट है। हम एक पॉइंटर लेंगे पी जो कि यहाँ पर पॉइंट करेगा, और एक पॉइंटर लेंगे क्यू जो कि लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा। हमें बेसिकली दो पॉइंटर्स की ज़रूरत है। अब सिंपल सा हमें काम ये करना है कि पी का जो ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस वाले नेक्स्ट पार्ट पे, सो पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि इस पोजीशन पे हमें यहाँ पर नल को स्टोर करना है। और फिर इसको करने के बाद हम करेंगे फ्री क्यू, तो हम इस वाली मेमोरी को यहाँ से फ्री कर देंगे। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट, तो उससे बिकॉज यहाँ पर नल स्टोर है तो यहाँ से नल यहाँ पर स्टोर हो जाता। अब तीसरा किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना है, एज्यूमिंग हमें ये वाली नोट को डिलीट करना है। तो अगर हमें इस नोट को डिलीट करना है तो हमें दो चीज़ चाहिए। पहले तो हमें इस नोट का एड्रेस चाहिए, एज्यूमिंग हमने इसको पी से पॉइंट किया, और हमें इस नोट का एड्रेस चाहिए। अब इसकी ज़रूरत इसका एड्रेस चाहिए, इससे हमें इसका एड्रेस मिल जाएगा, तो हम इसको क्यू से पॉइंट करेंगे। तो अगर हमें इसको डिलीट करना है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमें, देखो ध्यान दीजिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला काम पहले हम करेंगे यहाँ पर इस वाली नोड को यहाँ पर पॉइंट कराना है। तो इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, क्यू के नेक्स्ट वाले पार्ट से, यानी कि पी एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू एरो नेक्स्ट, यानी कि क्यू जहाँ पर पॉइंट कर रही है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इस वाले पार्ट में इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो इसका जो एड्रेस है 4000 वो हमें यहाँ पर पी के नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ पर स्टोर करना है। तो पी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर क्यू का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जो एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा वो आप स्टोर कर दीजिए। तो सिंपल पी ये जो नोड है वो इसको पॉइंट करने लगेगी। अब दूसरा जो हमारे पास काम रहेगा वो रहेगा हमारे पास फ्री क्यू, यानी कि इस वाली मेमोरी को आप फ्री कर दीजिए। तो ये ऑपरेशंस हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। अब देख लेते हैं ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे। मैंने फंक्शन बनाया void delete node star head int position। अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है एक जनरलाइज्ड प्रोग्राम है इस डिलीशन इन अ सिंगल लिंक लिस्ट पे, लिंक लिस्ट के लिए। काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, अलग अलग आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को भी बना सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया k, k के अंदर हमने 1 को स्टोर कराया, ठीक है। नोड स्टार पी स्टार क्यू, यानी कि हमने दो पॉइंटर्स ले लिए पी और क्यू। अब हमने चेक किया क्या लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी कि अगर हमने हेड को जो हमने पास किया है उसके अंदर नल पास किया है, यानी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो हम बोलेंगे अगर हेड नल है इसका मतलब है लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पर लिस्ट इज एम्प्टी। अदरवाइज हम पी को उस पोजिशन में पॉइंट कराएंगे जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, एज्यूमिंग ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिंक लिस्ट में पी और हेड यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, और जो लास्ट नोड है यहाँ पर नल स्टोर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पी इज इक्वल टू हेड, तो पी और हेड यहाँ पर एक साथ पॉइंट कर रहे हैं। फिर इफ़ पोजिशन इज इक्वल टू वन, यानी कि पोजिशन के अंदर अगर हमने वन को पास किया, इसका मतलब ये है कि हमें पहली नोड को डिलीट करना है। यानी कि इफ़ पोजिशन इज इक्वल टू वन, सबसे पहला काम हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, यानी कि हेड को यहाँ पर पॉइंट कराओ। दूसरा काम फ्री पी, यानी कि इस वाली मेमोरी को फ्री कर दीजिए। नेक्स्ट अगर पोजीशन वन नहीं है, तो अगर कोई और पोजीशन है तो पहले तो उस पोजीशन तक पहुंचिए। तो ये जो वाइल लूप है ये क्या कर रहा है, हमें उस पोजीशन तक पहुंचा रहा है। कैसे करेंगे, इफ़ पी इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, इफ़ के इज़ लेस देन पोजीशन, के की वैल्यू अगर पोजीशन से कम है, एज्यूमिंग यहाँ पर पोजीशन हमारे पास ये वाली नोड की है, फिर लेट अस सपोज इस वाली नोड की पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर वन, पोजीशन नंबर टू और पोजीशन नंबर थ्री, हमने पोजीशन के अंदर थ्री पास किया, तो क्या होगा, वाइल पी इज़ नॉट इक्वल टू नल, पी इनिशियली इस नोड को पॉइंट करेगा, फिर के इज़ लेस देन पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू थ्री है और के की वैल्यू इनिशियली हमारे पास वन है, डू के प्लस प्लस, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू, क्यू इज इक्वल टू पी, यानी कि क्यू को यहाँ पर पॉइंट कराओ, फिर पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, यानी कि पी को यहाँ पर पॉइंट करा दीजिए। फिर से आप चेक करो लूप की कंडीशन, लूप की कंडीशन क्या है यहाँ पर, अब के की वैल्यू हमारे पास है टू, तो इफ पी इज इक्वल टू नल, पी इज नॉट इक्वल टू नल, करेक्ट, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास ट्रू। फिर के इज लेस देन पोजिशन, क्या के पोजिशन से लेस है, थ्री से लेस है के, यस के थ्री से लेस है, फिर क्या करेंगे हम, के प्लस प्लस, यानी कि के की वैल्यू कर देंगे थ्री, क्यू इज इक्वल टू पी, यानी कि क्यू जो है अब वो यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा, और पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, यानी कि पी अब यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा।
दोबारा से कंडीशन चेक करो, क्या पी नल है? नहीं है। इज के लेस देन पोजिशन? नो। के की वैल्यू क्या है? 3। और पोजिशन की वैल्यू क्या है? 3। यानी कि के अब यानी कि जो पी है वो उस नोड पर पॉइंट कर रहा है जो हमें डिलीट करनी है, और जो क्यू है वो उसे एक नोड पहले पॉइंट कर रहा है। ध्यान दीजिए, के उस जो पी है वो उस नोड पर पॉइंट कर रहा है हमेशा जो डिलीट करनी है, और क्यू उससे पहले वाले नोड पे। अब इस लूप से हम बेसिकली उस नोड तक पहुंच जाएंगे जहां जिसको हमें डिलीट करना है। फिर नेक्स्ट, इफ़ पी इज इक्वल टू नल, क्या पी हमारे पास नल हो चुका है यहां तक पहुंचते पहुंचते? यानी कि अज्यूम करो कि हमें पोजिशन नंबर 4 से डिलीट करना था, तो हमने पी को पोजिशन नंबर 4 पर पहुँचा दिया, लेकिन पोजिशन नंबर 4 अगर नल है हमारे पास तो क्या होगा? पी इज इक्वल टू नल, तो उसको बोल देंगे पोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि आप एक ऐसी पोजिशन में पहुंचे हो जहां पर निगलिस एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में पी नल की तरफ पॉइंट करेगा, तो हम बोल देंगे पोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज हम करेंगे क्यू इज इक्वल एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, यानी कि क्यू का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो वहाँ पर पॉइंट करेगा जहाँ पर पी का नेक्स्ट वाला पार्ट पॉइंट कर रहा है, और पी का नेक्स्ट वाला पार्ट कहाँ पर पॉइंट कर रहा है? नल की तरफ पर। तो ये जो पॉइंटर है ये हमारे पास हो जाएगा नल। दूसरा काम हमारे पास होगा फ्री पी, यानी कि पी को फ्री कर दो। तो यही जो ऑपरेशन है जो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर आपको बताए, हम इन्हीं ऑपरेशन को यहाँ पर भी परफॉर्म करने वाले हैं। एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन है, सेम सेट ऑफ ऑपरेशन है, और इससे हमारा जो डिलीशन है वो यहाँ से इजीली हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और इससे इस प्रोग्राम से भी आपके काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट जो सिंगल लिंक लिस्ट का ऑपरेशन है वो है कि पूरी की पूरी लिस्ट को आप कैसे डिलीट करेंगे। मैं इसको रब करता हूँ, दोबारा से वापस आता हूँ, और जो लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास यानी कि डिलीशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, और मैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम लिखता हूँ, और फिर दोबारा से आपको ये सब चीज़ें कराता हूँ। ठीक है, तो लेट मी डिलीट इट। सिंगल लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस के अंदर ये जो लास्ट ऑपरेशन है वो ये है कि आपके पास अगर एक लिस्ट बनी हुई है तो आप पूरी की पूरी लिस्ट को एक साथ कैसे डिलीट करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हमें करने पड़ेंगे लिस्ट को डिलीट करने के लिए, और फिर हम इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है। देखिए, हम यहाँ पर हम दो पॉइंटर्स लेंगे, एज्यूमिंग एक पॉइंटर लेते हैं हम लोग ए और एक पॉइंटर लेते हैं आई। ठीक है, तो इनिशियली हमने एक पॉइंटर लिया यहाँ पर आई। ठीक है, अब ध्यान दो हमें क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है। आई यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और हम एक पॉइंटर लेंगे ए जो कि इसके नेक्स्ट पॉइंट पर नोड पर वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि आई जहाँ पर पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को आप फ्री कर दो। इसको फ्री करने के बाद ऑब्वियसली हमें ये नहीं पता होगा कि अगली नोड का पॉइंटर कहाँ है, तो उसकी इसी वजह से हमने ए को लिया है। अब फिर आई को अगली लोकेशन पर यहाँ पर पॉइंट कराओ, और ए को फिर से दोबारा से इससे नेक्स्ट वाली लोकेशन पर पॉइंट करा दो, यानी कि ए अब यहाँ पर पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाली लोकेशन को आप फ्री कर दो, यानी कि इसको डिलीट कर दो, और फिर आई को जहाँ पर ए पॉइंट कर रहा है वहाँ पर पॉइंट कराओ इस तरीके से, और फिर ए को नेक्स्ट नोड पे यहाँ पर पॉइंट कराओ। अब दोबारा से इस नोड को यहाँ से डिलीट कर दो, यानी कि इसको यहाँ से फ्री कर दो, और फिर से जो आई को जहाँ पर ए पॉइंट कर रहा है यहाँ पर पॉइंट कराओ, और फिर ए को नेक्स्ट पॉइंट कराओ। देखो, इसका जो नेक्स्ट है वो नल है, तो ए अब कहाँ पर पॉइंट करेगा? नल के पास। अब इस वाली नोड को डिलीट कर दो, और जैसे ही ये नोड फ्री हो गई फिर से अब आई को नेक्स्ट वाले नोड पे पॉइंट कराओ। अब देखो, जैसे ही आई नल की तरफ पॉइंट करेगा तो अब हमें रुक जाना है, और इस समय पर जो हेड है हमें हेड को नल पे पॉइंट कर देना है। तो हमें इस केस में जब भी हमने प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम में आई का मतलब है आइट्रेटर और ए का मतलब है ऑक्सिलरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे जो भी लिंक लिस्ट आपको डिलीट करनी है उसका एड्रेस पास कीजिए हेड पे, फिर दो पॉइंटर्स ले लीजिए ए और आई। सबसे पहले आई को हेड पे पॉइंट कराए, यानी कि यहाँ पर पॉइंट करा दीजिए जब तक आई एग्जिस्ट करता है, यानी कि आई आपका यहाँ पर जाके आई जब तक नल नहीं होता तब तक आप ए को आई से एक लोकेशन बाद, यानी कि जैसे ए को आई से एक लोकेशन बाद, यानी कि हमेशा एक लोकेशन बाद में पॉइंट करेगा ए, और फिर जहाँ पर आई पॉइंट करा उस लोकेशन को फ्री कर दो, और दोबारा से आई को ए की पोजिशन पर डाल दीजिए। दोबारा से आई को ए की पोजिशन पर डाल दीजिए, यही वर्क आप परफॉर्म करते रहिए। तो यहाँ पर जो ए है यानी कि ऑक्सिलरी है वो हमेशा अगली नोड जो डिलीट करनी है उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, और जो आई है जिस नोड को आपको डिलीट करना है उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस होल वाइल लूप आप पूरी लिंक लिस्ट के डेटा को डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद जो सबसे पहले जो आपके पास हेड नोड था हेड को आप नल पे हेड पे आप नल सेट कर दीजिए। तो ये जो ऑपरेशन हमने किए दीज आर द वेरी वेरी बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। ये ऑपरेशन मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा एक एफिशिएंट मैनर में थोड़ा सा कराया जाए, जिससे आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हमें भी ज़्यादा मुझे पढ़ाने में ज़्यादा चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। अब इसके साथ साथ जो अभी जो मैं नेक्स्ट लिंक लिस्ट हम डिस्कस करेंगे वो है डबली लिंक लिस्ट।
तो मैं आपको हर एक लिंक लिस्ट के बारे में बेसिक ऑपरेशंस कराऊंगा, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो किसी कंपनी से रिलेटेड भी हो सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी हमारे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।